मुझे खबर मिला है कि जो हमारा पुराना राजभवन था, जो 1949 में राजमाता कंचन प्रभा देवी ने टर्म्स एंड कंडीशन में फ्री में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, राजभवन को, मैं वहां में राज्यपाल को रखने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जब आईपीएफटी और बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो बात चला कि वहां में एक महाराजा के नाम में एक पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहां में हमारा त्रिपुरा का, हमारा तिपरासा का कल्चर, कस्टम, हमारा इतिहास को दिखाया जाएगा। लेकिन अब मुझे खबर मिल रहा है कि वहां में ये जो पुराना राजभवन है, वहां में बिना किसी से कंसल्ट करके, बिना हमारा सेंटिमेंट, सिर्फ मेरा फैमिली का नहीं, हमारे लोगों का, हमारा स्टेट का कल्चर का सेंटिमेंट को कंसल्ट करके वहां में एक 5-स्टार होटल बनाया जाएगा। सब चीज पैसे के लिए नहीं हो सकता है, सब चीज प्रॉफिट के लिए नहीं हो सकता है। आज अगरतला में हमारे नाम में, टिपरासा महाराजा के नाम में, हमारे त्रिपुरा के कल्चर के बारे में क्या बचा है? और आज जो भी बचा है हमारा इतिहास, उसको भी आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए, आप बिना हम लोग से बात करके आप यहां में 5-स्टार होटल बना रहे हो। आई कंप्लीटली अपोज इट, और मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि प्लीज रीथिंक ऑन दिस डिसीजन, क्योंकि वरना हमें रास्ते में निकलना पड़ेगा और हमें अपोज करना पड़ेगा। मैं स्टेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि स्टेट में टूरिज्म डेवलप हो, उन्नति आए। आप कहीं और में बनाइए, जगह मैं दे देता हूं, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस में, वहां में बिना हमारे लोगों से कंसल्ट करके ये सब करना, ये हमेशा हो रहा है, ये पहले भी हुआ। हमारे ऐतिहासिक जगह का नाम को बदल दिया गया, उनके स्टेटस को बदल दिया गया। आप ये कब तक करोगे? ये गलत बात है एंड इसको मैं एकदम एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। आई अर्ज एवरी वन इन त्रिपुरा, ऑफ ऑल कम्युनिटीज, पीपल हु हैव रिस्पेक्ट एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड आर कल्चर, टू अपोज सच मूव्स। नॉट एवरीथिंग इज मेड फॉर मनी, नॉट एवरीथिंग इज डन फॉर प्रॉफिट। देर इज समथिंग कॉल्ड हेरिटेज ऑफ द प्लेस एंड आई अपोज दिस प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा।